तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम आईडी है आपकी पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से, या कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर, जो रूट वर्ड होता है कम्युनिकेशन, रूट वर्ड मतलब कम्युनिकेशन वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कम्युनिकेयर से, ऑप्शन बी है कम्युनिको से, ऑप्शन सी है कम्युनिस से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन सी कम्युनिक। क्वेश्चन नंबर टू, कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन परसेप्शन थॉट्स, ये भी सही है, शेयरिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये भी सही है, शेयरिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, ये भी सही है। तो जब अगर तीनों सही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट वी कॉल, तो जो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होती है, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बोल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बॉडी लैंग्वेज से आपको समझाएं। तो यही पूछा है कि कौन से द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, तो जो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होती है उसको क्या कहते हैं आपकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल हमेशा बॉडी आपकी माउथ से होती है जो हम वर्बली बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज से जो हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनकोडिंग एज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ, तो इनकोडिंग जब भी होती है ना कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो कहाँ पे होती है, सेंडर पार्ट में, रिसीवर पार्ट में, एनवायरनमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो जब भी इनकोडिंग होती है वो हमेशा सेंडर साइड में ही होती है, ठीक है, रिसीवर साइड आपकी डिकोडिंग होती है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, इनकोडिंग ऑलवेज अकर एट द सेंडर साइड, हमेशा भेजने या ट्रांसमीटर के साइड पे ही होती है, रिसीवर साइड हमेशा आपकी डिकोडिंग होगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, Which punctuation mark is essentially used at the close of a question? तो जब भी आप देखे होंगे, आप कोई भी question sentence देखे होंगे, जैसे where is your home? ठीक है, अब पूछा है which punctuation mark is essentially used at the close of a question? तो ये question है, हम क्या use करते हैं आपका question mark? तो option A है आपका note of exclamation, ये नहीं होगा, full stop, ये नहीं होगा, correct answer क्या होगा? Question mark, ब्रैकेट तो वैसे भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज गॉट रॉन्ग प्रीपोजिशन, ए पीटी रंजन मिश्रा द नोटेड क्लासिकल सिंगर डाइड फ्रॉम कोरोना, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, ऑप्शन सी है, शी इज मैरिड टू ए ग्रेट क्रिकेटर क्रिकेट प्लेयर, ये ऑप्शन डी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो रॉन्ग प्रीपोजिशन है, तो डाइड फ्रॉम कोरोना नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्रोनोमिक्स रिफर्स टू वोकल एस्पेक्ट्स, आई कॉन्टेक्ट, यूज ऑफ टाइम, या ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूज ऑफ टाइम। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल स्लैश लाइब्रेरियन आर फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ या नन ऑफ दिस, तो देखिए जो प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन जाती है ना वो हमेशा फॉर्मल इन नेचर की होती है, तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, कभी भी इनफॉर्मल वे में हम प्रिंसिपल को नहीं भेजते, ठीक है। क्वेश्चन नाइन, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, रिएक्शन ऑफ द रिसीवर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ, तो फीडबैक मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है आपका रिस्पॉन्स में जाए, फीडबैक मतलब ही आपका रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन नहीं होता, रिस्पॉन्स होता है।
तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज और एन आइडिया इन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंबल, जेस्चर्स और साउंड सो एज टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, इसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो मैसेज को कन्वर्ट करना आइडिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, सिंबल, जेस्चर या साउंड, तो उसको क्या कहा जाएगा? सिंपल सी बात है, आपका डिकोडिंग कहा जाता है उसको। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, ए यस नो क्वेश्चन ओपन्स अप विथ एन हेल्पिंग वर्ब, मे बी आंसर इन टर्म्स ऑफ यस और नो, ऑप्शन सी या डी, नन ऑफ दिस। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस डेट हैज सम कॉमन एरर इन इट, द प्रोफेसर सेड दैट द अर्थ गोस राउंड द सन, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय हूम हैज मैकबेथ बीन रिटन, आई शैल हेल्प यू शैलेंट। तो डेट हैज सम कॉमन एरर इन इट, तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, द प्रोफेसर सेड दैट द अर्थ गोस राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 13, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंप्लाइज, ऑप्शन ए कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट यूजिंग डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स, एब्सेंस ऑफ वर्ब्स इन कम्युनिकेशन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑडियंस या डी, नन ऑफ दिस। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट यूजिंग डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, विच वन हैज बीन रिटेन बाई स्वामी विवेकानंद, मालगुडी डेज, व्हाट स्टूडेंट कैन डू, द सीक्रेट ऑफ वर्क या डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द सीक्रेट ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वर्क कंसाइज, तो कंसाइज मतलब क्या होता है? छोटा, किसी चीज को छोटा करना। ठीक है, कंसाइज फॉर्म में, तो आप देखो लेंथी नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, क्रिटिकल नहीं होगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 16, रिटेन कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग, तो रिटेन कम्युनिकेशन कैसे की जाती है? रिटेन वर्ड्स में, स्पोकन वर्ड्स में, बोथ ए एंड बी या डी, नाइदर ए नॉर बी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रिटेन वर्ड्स में। क्वेश्चन ये है कि रिटेन कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, रिटेन वर्ड्स में, स्पोकन वर्ड्स में, बोथ ए एंड बी या डी, नाइदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन रिटेन वर्ड्स, रिटेन कम्युनिकेशन रिटेन वर्ड्स में किए जाते हैं। तो आई थिंक ये 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट हो गए। आपके कितने सही हुए ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर से हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।